नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश तिवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। श्री तिवारी ने कहा था कि भाजपा सरकार प्रदेश में भय, भूख और न भ्रष्टाचार हम देंगे, अच्छी सरकार का नारा देकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर झूठे मामले दर्ज कर जनता की आवाज दबाई जा रही है, उससे सरकार की नाकामी छलक रही है। साथ ही श्री तिवारी ने झूठी FIR दर्ज कराने वाले थाना प्रभारी को भी तत्काल हटाने से मांग की है। श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में और कुछ इस तरह के झूठे मामले लगा सकते हैं। आइए सुनाते हैं, राष्ट्रीय महाकौशल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश तिवारी ने क्या मांग की है। क्या नाम है आपका? हरीश तिवारी। अच्छा, मैं महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अच्छा, ये जो रामानंद पांडे जी के ऊपर मुकदमा लगा, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये पूरी तरीके से जो रामानंद पांडे ऊपर मुकदमा लगा और जो रामानंद पांडे जी के द्वारा आरोप के मुकदमा के विरोध में बोला गया, उससे स्पष्ट होता है कि ये राजनीतिक रंजिश है। और पत्रकारों के विरुद्ध जहां तक मुझे जानकारी है कि दिग्विजय सिंह की सरकार में एक आदेश हुआ था कि पत्रकारों के विरुद्ध थाना प्रभारी बिना उच्च स्तरीय जाँच कराए प्रकरण कायम नहीं करेगा, यह सरकार के उस आदेश का खुला उल्लंघन है। और जिस अधिकारी द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वो थानेदार के पद में रहने लायक नहीं है और ये पत्रकारों के स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी उखाराघात है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से चाहता हूँ, मेरी मांग है, यदि आप लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहते हो, पत्रकारों की आज़ादी पर आप अपने सरकारी तंत्र का अंकुश नहीं लगाना चाहते हो, तो रामानंद जी के ऊपर जो फर्जी केस लगाए गए हैं उन्हें वापस किए जाएं। और जिस थाना प्रभारी के द्वारा शासन के आदेश का उल्लंघन किया गया है, उसको सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। वो पद में रहने योग्य नहीं है, कल वो कुछ भी कर सकता है। और रामानंद पांडे जी ने कहा कि जिस समय घटना वहाँ दर्शाई गई है पुलिस रिकॉर्ड में, उस समय मैं अपने घर में था, हमारे घर में CCTV लगा है, इसलिए उनके मोबाइल लोकेशन और CCTV कैमरे जो हैं उसका प्रमाणित चीज़ है, प्रमाण करके देख लेना चाहिए। और क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश की सरकार रामानंद को न्याय देने में अभी तक विलंब कर रही है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय CM शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको जहाँ पत्रकार के विरुद्ध लगे फर्जी केस वापस लेने में क्या दिक्कत है, और ऐसे पुलिस अफसर के विरुद्ध आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? आप उनको खुलासा करना चाहिए और ये शोभा नहीं देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे वादे किए थे, भय, भूख, न भ्रष्टाचार हम देंगे, अच्छी सरकार, कि आज पत्रकार के स्वतंत्रता पर फर्जी मुकदमा लगाना, यही उनका नारा था। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।